एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, और बहुत ही कीमती है और बहुत ही वो एक्सपेंसिव है, तो उसी के हवाले से मैं खास तौर पे आया था, तो वो दिखाते हैं अभी। ये अंजीर का दरख्त है, ठीक है अहमद भाई, आपको इसके बारे में मज़ीद बताते हैं। यहाँ पे ना राइब्ड है ना, जो राइब्ड अंजीर है जो लगी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे और खा के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये एक पकी हुई पकी है हुई ये अंजीर, जीरा है, ये देखिए अब अभी भाई को हम देंगे, माशाल्लाह टेस्ट माशाल्लाह। करेंगे। तो मैं तो इन चीज़ों का बहुत शौकीन हूँ। ऐसा टेस्ट भी भाई ज़बरदस्त है, मीठी है, ठीक है, ये आप भी खाएं, माशाल्लाह की माशाल्लाह। अभी भाई स्मेल चेक करें। माशाल्लाह। तो ये जी अहमद भाई ने मुझे तोड़ के पकड़ा दिया है, अपनी मेहनत उसने देखे मुझे कुर्बान कर दी मेरे ऊपर, तो इसकी स्मेल भी आ रही है बहुत प्यारी, कैमरे में तो आप सूंघ नहीं सकते, तो कितनी प्यारी स्मेल है आप इमेजिन नहीं कर सकते। अहमद भाई ये बताइए क्या चीज़ है ये? यार ये जो है ना, ये सीड वगैरह जो हम लेके आते हैं ना, कि सब्जी का किसी भी चीज़ का, हाँ या जी। जो हमारा यहाँ पे अपना सीड होता है, तो वो हम ना इसमें इंडिविजुअली लगाते हैं, क्योंकि हमें तो पता है ना कौन सी चीज़ इसमें उगनी, फिर ऊपर हम अच्छा टैग लगा देते हैं। हमने कोकोनट की जो कोकोपीट होती है वो भर देनी है सारों में, तो सही बात यहाँ पे है, हमने इसीलिए रखे कि पीछे दीवार है, इस सही। तरफ गली है, तो यहाँ से अगर कोई अंदर को आने की कोशिश करे तो सीधा इनके ऊपर ही अरे गिरे वाह, आके। हाँ माशाल्लाह अहमद भाई ने सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया हुआ एक बार हो भी चुका है, एक काम आपके। ना हो भी चुका है, अच्छा तो जो बंदा उसके ऊपर गिरा हुआ हो गया। अच्छा, इससे भी खतरनाक पौधे पड़े हुए हैं वहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उसके ऊपर इतने कांटे हैं, तो मैंने तो भाई एक बार, मैं पिछली बार आया तो मैंने हाथ लगाने की कोशिश की तो मेरे हाथ पे लग गया था कांटा, लेकिन मैंने अहमद भाई को बताया नहीं था, क्योंकि बंदे भी अपनी। तो व्यूअर्स वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, मालूमात वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। तो अहमद भाई को अप्रिशिएट करें, ठीक है, अहमद भाई ने कितनी मेहनत की है, इनकी मेहनत के ऊपर भी आप कमेंट जरूर करें। एक हमारी जो कंपनी है शेख सनन कंपनी की तरफ से, उसको कोई प्लाट हाउस और शॉप वगैरह चाहिए तो हमसे वो रब्ता कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। तो अभी जो है मुझे फोन भी आने लग पड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुनीब अख्तर, और आज माशाल्लाह से मैं अपने भाई अहमद भाई के पास आया था। तो इनका बगीचा है छोटा सा, बहुत ही प्यारा है ये, तो मेरा भी ये हॉबी है और इनका भी हॉबी है, हम क्लास फेलो भी रहे हैं माशाल्लाह से, मैट्रिक हमने इकट्ठे की है। तो मैंने कहा आज अहमद भाई के पास चलते हैं और इनका जो है बगीचा दिखाते हैं। माशाल्लाह से मुख्तलिफ वैरायटी के, हर किस्म के यहाँ पे एलोवेरा की किस्में हैं, आपको इंशाल्लाह हर एक के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आपको फ्लावरिंग प्लांट मिलेंगे, इतने प्यारे पौधे हैं और डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। आपको हर पौधे का बताएंगे, उसका इस्तेमाल कहाँ पे है और उसका नाम क्या है और उसकी वैरायटी क्या है, हर चीज़ बताएंगे इंशाल्लाह उसकी प्रोपागेशन भी हम बताएंगे कि जी। कैसे उसको हम प्रोपागेट करते हैं, मतलब एक से दो, दो से तीन, दो से चार, कैसे हमने इसको करना है। तो आए तो भी हैं आए हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं फिर। जी, आए। तो भी सबसे पहले आपको एक डेकोरेशन प्लांट के बारे में बताते हैं, बहुत ही प्यारा है। तो ये देखें, इसका नाम पूछते हैं अहमद भाई से, क्या है अहमद भाई इसका नाम? सोलस, कोलस नाम बताया इन्होंने। और इसकी कितनी वैरायटी है इसकी भाई? तो बेशुमार वैरायटीज है, अच्छा तो मार्केट में तो बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएगी, लेकिन ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो तीन वैरायटीज है। कौन कौन सी? एक ये रेड के अंदर है हमारे पास, और अच्छा, दूसरा ये ग्रीन है, जिसके एजेस जो है इस तरह, कितने ये देखिए प्यारे हैं, आप। देखें व्यूअर्स कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। पत्तों की साइडों पे देखें ये डॉट्स के इस सूरत में और ना, ये तीसरे नंबर पे हमारे पास ये मेहरून रेड के अंदर आता माशाल्लाह। तो ये थी तीन एक कोलस की वैरायटीज, और ये कौन सा पौधा है मतलब है। भाई? ये सिंगोनियम है, इसकी अच्छा हमारे पास चार वैरायटीज हैं, एक, दो, तीन और ये थिन लीव्स वाली चार। अच्छा इसी तरह का मेरे पास भी पड़ा है घर में, आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, वो डार्क ग्रीन कलर में है। तो इसके आप देखिए क्या कमाल है, लगा ऊपर कोई और कलर है और नीचे कोई और कलर है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक पौधा दिखाया था ईडन ऑर्चर्ड में, इस तरह का पौधा यहाँ भी मौजूद है, देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो अहमद भाई आगे आगे चलते हैं ये ये। बहुत करिश्मेटिक प्लांट है, अच्छा ये इसको कहते हैं मनी प्लांट। इसके बारे में हाँ, मशहूर है कि आप ना, जो बंदा ये रखता है मनी प्लांट, वो अमीर हो जाता है अच्छा बहुत। इसकी भी माशाल्लाह चार वैरायटीज़ हैं, दो तो ये सेम है, ठीक है, तो पीछे ये भी हमारे पास एक वैरायटी है, ये ये देखें। दिखाएं आप सभी, ये कितना प्यारा लग रहा है, देखिए दो कलर है इसके अंदर, ये कैमोफ्लेज बना है इनके ऊपर, देखें कितना और प्यारा लग बाकी रहा फिर ये देखिए हमारे पास ये ड्रैगन प्लांट है, है, क्या बात है इसके ज़रा माशाल्लाह। लीव्स ड्रेसिनिया के साथ मिलते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलें ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा ये वाला बताइएगा। ये दरअसल ना हमने यहाँ पे लगाई थी पनीरी, उसकी अम्ब्रेलस की, तो वो अच्छा बीज उड़ के कहीं पीछे को चला गया, तो वहाँ पे ठीक है, खुद ही ठीक उग पड़ा, तो अम्ब्रेलस तो हमारे पास बेतहाशा पड़ी है। है, अम्ब्रेलस के तो हमने ये देखे ना, तकरीबन तो 2-3 हज़ार तो अभी बल्ब तैयार किए थे। वाह। तो ये अहमद भाई ये वाला कौन सा पौधा है ये बताइएगा व्यूअर्स को? ये प्लमेरिया है, अच्छा तो इसके हमारे पास तकरीबन 17 से 18 कलर्स है, माशाल्लाह, तो इसके अंदर ज़रा हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, क्या तो वो टेक्निक टेक्निक ये है कि इसके अंदर देख सकते हैं आप कि आपको यहाँ पे जॉइंट्स नज़र आएंगे, जैसे ये देखें जोड़ नज़र आ रहा है, आपको जी पता जी लग रहा जी है कि ये यहाँ से काट के किसी ने कोई चीज़ ऊपर लगाई है, अच्छा ये आपने इसको वो तो कहते हैं जो ये, ग्राफ्टिंग की टेक्निक हाँ यूज़ की है। ग्राफ्टिंग,
तो ऐसे हम ग्राफ्टिंग की टेक्निक से एक ही प्लांट पे वो जो हमारे पास 17 से 18 कलर्स हैं या डिफरेंट वैरायटीज हैं वो हम एक ही प्लांट के ऊपर वो सब कुछ दे सकते हैं। एक अच्छा मतलब लोन किसी ने तैयार किया हो उसके सेंटर में एक ये पौधा लगा दे हम तो उसके ऊपर 17 से 18 कलर्स हो नीचे बैठे हो क्या मंजर हो उस वक्त। माशाल्लाह ऐसे ही है तो आप ये सब देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है। ऐसे ही तो अब ये देखिए एक के ऊपर फ्लावर भी आए हुए हैं तो इसकी माशाल्लाह। अभी भाई स्मेल चेक करें माशाल्लाह। तो ये जी अहमद भाई ने मुझे तोड़ के पकड़ा दिया है अपनी मेहनत उसने देखे मुझे कुर्बान कर दी मेरे ऊपर। तो इसकी स्मेल भी आ रही है बहुत प्यारी कैमरे में तो आप सूंघ नहीं सकते तो कितनी प्यारी स्मेल है आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आए आगे चलते हैं ये वाला बताइएगा हमें भाई ये कंगी पाम है ये डेकोरेटिव प्लांट है। अच्छा लॉन्स वगैरह के सेंटर में लोग इसको यूज करते हैं। सही तो ये भी एक अच्छा प्लांट है मतलब ये आप बास्केट्स वगैरह जो लोग बनाते हैं शादी वगैरह के पर आप देखते हो एजेस पे ये वाले इसके लीव्स इस्तेमाल होते हैं ऐसे। हाँ जी होते हैं बेशक। तो अच्छा वो जो देते हैं नहीं गुलदस्ते फ्लावर के बिल्कुल उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा ये नए निकल रहे हैं इसके। जी ये नए निकलते हैं तो इसके ऊपर अटैक भी होता है तो इसके ऊपर आपने ना दवाई का छिड़काव भी करना होता है। प्लमेरिया के सारे प्लांट्स है वो एंड तक बड़े बड़े अलग अलग कलर का फूल उगता है। ये देखिए हमारे पास ये प्लमेरिया के सारे प्लांट्स हैं तो ये देखिए जरा ये काफी मजे की चीज है। अब ये टेक्निक का नाम है रूट प्रूनिंग की टेक्निक। अच्छा इसमें आप ना थोड़ा सा एक टेक्निक यूज करते हैं थोड़ा सा ऊपर आउटर लेयर जो कवरिंग है उसको उतार के इसके ऊपर एक मटेरियल मिलता है या एलोवेरा का जेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। वो ऊपर लगा के तो इस तरह ना गुठली सी बना के रखते हैं। ये देखिए आपको जड़े नजर आ रही है व्यूअर्स। हाँ जी हाँ जी ये देखें तो इसके मकसद ये होता है कि आप वैसे तो अगर एक प्लांट हम नया बनाना चाहे सीड से वो उगेगा सारा कुछ होगा तो इस टेक्निक के वजह से ना आप ये देखें ना यहाँ से जब जड़े आ जाएगी तो आप इसको यहाँ से काट के प्लांट कर लोगे तो एक बना बनाया आपको प्लांट मिल जाएगा। ऐसे ही है नया प्लांट इनके फौरन ही हम उगा सकते हैं तो ये काफी फास्ट टेक्निक है। ठीक हो गया। तो लेकिन इसमें सीजन काफी इम्पोर्टेंस रखता है अगर आप सही सीजन पे करेंगे तो फिर ये होगा जैसे अब ये पिछला गया है मॉनसून का सीजन उस सीजन में ये चीज सबसे ज्यादा फेवरेबल है। सही हो गया। ये सारे प्लमेरिया पड़े हैं बिल्कुल ये सारे प्लमेरिया ही। तो ये देखें यार ये क्या है मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इस चीज ने आप सब दिखाएं। ये लींबू का प्लांट है लेमन प्लांट सिंपल जो चाइनीज चाइना लींबू जो हम छोटे कहते हैं ये वो है उसका प्लांट है। ये देखिए लेमन लगे भी हुए हैं ये देखिए इसके तो माशाल्लाह हमारे पास लींबू ही नहीं खत्म होते तो अब हमने इसको मुख्तसर कर दिया वरना ये सारा इस तरह फैला हुआ था उसके तो खत्म ही नहीं थे होते लींबू। तो बाकी ये देखिए आपका व्यूवर्स ये बहुत ही मजे की चीज है यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास होगी है पूरे पाकिस्तान में ना बहुत कम लोगों के पास ये कैमोफ्लाज के अंदर है जैसे वो आर्मी की आपने शर्ट्स वगैरह देखी होगी वह वैसा कलर है देखिए अल्लाह ताला की कुदरत देखिए। ये आप सब प्लमेरिया की टाइप है बिल्कुल ये उसी की टाइप है ये प्लमेरिया साइंटिस्ट ने ना अपने लैब के अंदर ये तैयार किए होते हैं। अच्छा तो डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके ये वो चीज है जो उन्होंने तैयार की है तो ये प्लमेरिया का कैमोफ्लेज कलर में इसके पत्ते देखो कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा इनके ऊपर जो फूल लगता है वो भी डिफरेंट होता है वो उनसे डिफरेंट होता है अब देखे ना अल्लाह ताला ने उनको कोई खासियत दी है वो इनसे छीन ली है जो इनको दी है वो उनसे इनका फ्लावर इतना खूबसूरत नहीं होता उनका फ्लावर खूबसूरत होता है। अम्ब्रेलस का जो फूल है वो कितना जबरदस्त है अम्ब्रेलस वाकई बहुत खूबसूरत होता है तो वो भी इंशाल्लाह दिखाना था इन मौसम में तो नहीं आया अभी फूल इसका ये बहार के मौसम में होना था। हाँ जी तो इंशाल्लाह हम आते रहा करेंगे अहमद भाई के गार्डन में ना तो इंशाल्लाह आपको दिखाते रहा करेंगे ठीक है इंशाल्लाह। अहमद भाई ने मुझे बताया था कि जो होते हैं ना फूल इनके अम्ब्रेलस के उनको आपस में मस्क करें ठीक है उनका जो क्रॉस हो जाता है और फिर जो है जीन्स जो उनके मेल और फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल होते हैं मेल को हमने उतार के फीमेल के ऊपर जो हमें लगता है कि ये वाले कलर को मैं इसके साथ क्रॉस करना चाहता हूँ जैसे कोई रेड कलर है उसको व्हाइट के ऊपर मैं लेके आना चाहता हूँ उसके बच्चों में मतलब रेड और व्हाइट का मिक्सचर बनाना चाहता हूँ तो मैं रेड वाले का जो पोलन है जो मेल है वो उतार के उसकी फीमेल पे लगाऊंगा और उसकी जो अपनी मेल फीमेल मेल्स है वो मैं उतार के उसको फेंक दूंगा। अच्छा। तो ताकि सेम उसी कलर का वहाँ पे उसके जेनेटिकली ना उसके सीड के अंदर आ सके। तो ये अम्ब्रेलस के बल्ब ना ठीक है एक की प्राइस बताई है अहमद भाई ने। ये डिफरेंट वेरी करता है कलर टू कलर लोग किस तरह का ज्यादा शो करते हैं इसमें बहुत सारे हमारे पास नायाब कलर्स भी है हरला क्वीन है डांसिंग क्वीन है बहुत सारी और चीजें भी है हमारे पास ना रेड डबल है बहुत सारे ऐसे है जो मतलब मार्केट में बहुत कम लोगों के पास होते हैं जो बाहर से इम्पोर्ट होके आते हैं। अहमद भाई अगर किसी बंदे ने लेना हो जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं माशाल्लाह से उनको ये अम्ब्रेलस चाहिए तो वो कहाँ से कौन सी नर्सरी पे जाएं और कैसे लें और कितनी प्राइस साथ लेके जाएं। यार ये नर्सरी जो है ना ये उसके सिविल हॉस्पिटल के सामने आपको मिल जाएगी AR रहमान नर्सरी रहमान नर्सरी तो वो मैं हबीब को उसका कॉन्टैक्ट इन्फो शेयर कर दूंगा वो बहुत अच्छी नर्सरी है
तो आप वहाँ से ज़रूर लेके आइएगा। मैंने एक और चीज़ देखी है जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की है, वो छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं। मैंने कहा यार ये डिब्बियाँ, मैंने तो अभी गार्डनिंग शुरू की है ना, तो अहमद भाई से मैंने गाइडलाइन लेनी है। अहमद भाई ये बताइएगा क्या चीज़ है यार ये जो है ना, ये सीड वगैरह जो हम लेके आते हैं ना कि सब्जी का किसी भी चीज़ का, या जो हमारा यहाँ पे अपना सीड होता है तो वो हम ना इसमें इंडिविजुअली लगाते हैं, क्योंकि हमें तो पता ना कौन सी चीज़ इसमें उगनी, फिर ऊपर हम टैग लगा देते हैं। अब जैसे इस लाइन में मैंने लगाए थे भिंडी के, भिंडी के सीड्स लगाए थे, इसमें हम वो अब मिट्टी जो भी इसके सोशल मीडिया होता है ना, तो इसमें हमने कोकोनट के जो कोकोपीट होती है वो भर देनी है सारों में। अच्छा, जो भी हमें हर चीज़ का मीडिया डिफरेंट होता है, तो हम वो मीडिया जब भर देंगे इसमें, तो फिर हम इसमें सीड लगाएंगे, फिर हम ग्रेजुअली ना इसके ऊपर पानी हल्का हल्का देंगे, तो ये बहुत अच्छा रहता है इसके ना ट्रेस वगैरह के अंदर ग्रो करना। तो आराम से फिर जब वो बन जाता है, ऐसे ही हम उठाते हैं जड़े वगैरह अंदर बनी होती है, जहाँ भी हमने लगाना है वहाँ पर लगा। अरे वाह, तो ये बताइएगा ये कौन से यार ये जो है ना, ये डेजर्ट के सारे अगेव्स है पीछे हमारे पास पड़े हुए, अगेव्स की काफ़ी सारी वरायटी है, सारे डेजर्ट की वराइटीज है। मतलब अच्छा। इनको अगर पानी बहुत कम भी मिले ना, फिर भी ये सरवाइव कर जाते हैं। तो ये सारे पीछे हमारे पास, ये जरा सफाई होने वाली है, तो बाकी ये भी माशाल्लाह ना है काफी खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए रखे कि पीछे दीवार है, इस तरफ गली है, तो यहाँ से अगर कोई अंदर को आने की कोशिश कर रहे हो तो सीधा इनके ऊपर ही रहे आके। माशाल्लाह अहमद भाई ने सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया। हाँ एक बार हो भी चुका है, एक काम ना हो भी चुका है, तो जो बंदा उसके ऊपर गिरा रहा हो गया। अच्छा अच्छा, इससे भी खतरनाक पौधे पड़े हुए हैं वहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर इतने कांटे हैं। तो मैंने तो एक बार, मैं पिछली बार आया तो मैंने हाथ लगाने की कोशिश की तो मेरे हाथ पे लग गया था कांटा, लेकिन मैंने अहमद भाई को बताया नहीं था क्योंकि बंदे की अपनी अम्ब्रेलिस पड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताया ना, चारों तरफ हमने अम्ब्रेलिस लगाई है। माशाल्लाह। अच्छा आप पुदीना भी बता रहे थे, पुदीना का बताइए यहाँ पे। हाँ ये पुदीना यार अब ना जो है ना थोड़ा खत्म होना शुरू हो गया है। अच्छा, तो अभी ये दोबारा सर्दियों में फिर हम इसको ना नई ला के लगाएंगे। सही है, तो अभी खत्म हो जाता है, सीजनल होता है ना, तो ये सीजन के बाद में खत्म हो जाता है। अहमद भाई वो जो धनिया होता है उसके तो बीज होते छोटे, बिल्कुल, और वो बीज लगा देते हैं तो धनिया उग जाता है, फिर उसी के ऊपर फूल लग जाता है और धनिया। इस पे भी ऐसे ही होता है, इसमें भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, तो मैंने इंशाल्लाह बीज लेने हैं आपसे इसके। जी जी जरूर जरूर। तो आए आगे चलते हैं जी, कौन सी बेल है, अंगूर की लग रही है? अंगूर की है। ये तो हमने खत्म कर दी, फिर उग गई। ये देखिए अंगूर की बेल है, मैं भाई बता रहे थे खत्म की है, लेकिन वो मान नहीं रही थी कि मैंने खत्म होना है। ठीक है, वो माशाल्लाह से अल्लाह ने इसको और जिंदगी दी है और दोबारा उग गई है देखें। और ये भी ऐसे ही है, इसके नीचे हमने आग लगाई थी बहुत जबरदस्त, सारा ऊपर से जल गया। अच्छा। फिर ये नीचे से अब ये दोबारा एक दो शाखें निकली है, तो देखो अब क्या बनता है। ये वाला पौधा भी बहुत जबरदस्त है, तो इसकी कटिंग बहुत कामयाब है। अभी ये पीछे आप देख सकते हैं, ये हमने इसको कटिंग को कट करके काफी सारे पौधे अब तैयार किए हैं। देखो कितने सारे, अंदर 7-8 है, कितना जबरदस्त ग्रो किया, जड़े देखे नीचे से निकल। ये क्या डेकोरेशन के इस्तेमाल होते हैं? जी बिल्कुल, ये जो लोग है ना बहुत इसका शौक करते हैं। अच्छा, अब ये हम इसकी भी हार्ड है, देखिए इसकी भी बिल्कुल, ये हार्ड भी है और अंदर इसके ना चिप चिप से आप इसको करेंगे ना, चिप चिप से निकले। दो है हमारे पास इसकी भी वैरायटीज, एक तो ये सीधा ऊपर को आ रहा है और एक वो दूसरा जो नीचे को लटकता है। अच्छा, दो तरह की हमारे पास इसकी वैरायटीज है। ये आम का लगा हुआ है? ये आम की गिटर का हमने की फेंकी थी, ये देखिए तो वो बड़ी। ये आम का छोटा सा पौधा लगा, लेकिन आम का जो दादा वो है ना, इसका जो दादा वो असल वो लगा हुआ है, हम इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको जब बाहर जाएंगे ना, तो आम लगते भी हैं वहाँ पे। तो ये असल पौधा है आम का, ये भी उसी की वैरायटी है। अच्छा ये देखिए, ये जो वैरायटी है ना, ये भाई बता रहे थे कि ये वर्टिकली नीचे को लटक जाती है और वो जो है वो वर्टिकली ऊपर को चले जाती है, वो वाली वैरायटी जो हमने आपको अभी दिखाई है। तो आए जी, ये एलोवेरा है, ठीक है, ये सिंपल है जो हम घरों में हमारे पास होती है। अच्छा, ये मेरे पास भी काफी लगी हुई है घर में, जब इंशाल्लाह मैं अपने घर में जो व्लॉग बनाऊंगा ना तो उसमें दिखाऊंगा कि बहुत सारी मेरे पास एलोवेरा की ना जो पड़े हैं, छोटे छोटे प्लांट्स पड़े हैं, तो काफी लोग मुझसे मांगते भी हैं कि यार मुझे दीजिएगा, तो मैं उनको दे भी देता हूँ। तो ये असल में जो मैं दिखाना चाह रहा था ना, जिस मकसद के लिए मैं आया था, ये एलोवेरा की बहुत सारी टाइप्स अहमद भाई ने यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल की हैं, तो आपको भी दिखाते हैं एक एक के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे भी। तो सबसे पहले मैं ये उठाता हूँ, ये देखें जरा कितना प्यारा स्टार लग रहा है, देखिए माशाल्लाह। अहमद भाई ये क्या चीज़ है? ये हवर्थिया की एक वैरायटी है। अच्छा, तो ये भी बड़ा खूबसूरत है, हमारे पास हवर्थियाज, गस्टीडियाज और एलो की बहुत सारी वैरायटी है। वाह, तो इसके अंदर भी कुछ है वो एलोवेरा की तरह? जी थोड़ा थोड़ा होता है, जेल टाइप इसमें चीज़ होती है, लेकिन है ना ये लोग डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैं सोच रहा था कि यार इतना सा निकलता है, थोड़ा सा तो निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ये है डेकोरेटिव प्लांट है। ये यानी कि डेकोरेशन प्लांट है जी, कितना प्यारा लग रहा है। और भी दिखाते हैं आपको, ये देखें। अच्छा इसके आगे जो है ना, ये आगे से मुड़े हुए हैं, ये देखें जरा, ये गस्टीरिया है, ये देखें गस्टीरिया भाई बता रहे हैं।
एक्सीडिया की वैरायटी है। मतलब ये आपने ये जो ये क्यों डाला है इसके अंदर ये पत्थर वगैरह? ये जो वाइट वाइट है पर्लेट है। अच्छा। तो इसका ये मकसद है कि जब अब ज्यादा बारिश हो जाती है जब ये तो ये पानी ना अपने अंदर जज़ब कर लेती है, अंदर से होलो है देखें जरा। हाँ जी हाँ जी। तो ये पानी अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ये जो पौधे जितने भी यहाँ पे पड़े स्टैंड पे पड़े हैं ना, ये हवर्सिया एक्सीडिया, तो इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता तो ये अपने अंदर जज़ब कर लेते, पौधे को इतना पानी नहीं फिर मिलता। सही है। ये भी देखें, ये भी एक नई वैरायटी है माशाल्लाह। तो ये भी एक्सीडिया का है, ये देखे ऊपर से ऐसे लग रहा है मैं काट गया लेकिन ये काट नहीं किया। हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना प्यारा है, अलग कुदरत देखें। ये कोयले भी डाले हैं इसमें? हाँ कोयले भी इसी के न्यूट्रिशन के लिए। ये देखें आप, ये वाला वही प्लांट पड़ा हुआ जो उधर था, और ये भी उसी की एक किस्म है। ये देखें इसकी जो ऊपर है ना पोर्स हैं, ये तो निकल गया बीच में से हमें भाई। नहीं कोई बात नहीं, आप चले ठीक है, गुस्सा नहीं करना आप। नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं, बहुत सारा नुकसान करके जाना। नहीं नहीं, इसको आप अंदर कर लेंगे, कुछ नहीं होता। ठीक है इंशाल्लाह। ये साथ निकल रहे छोटे छोटे? ये इसके बच्चे छोटे छोटे से ना। अच्छा, इसको हम फिर अलग लगा देते हैं छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर। वाह माशाल्लाह, ये देखें जी। तो मैंने ये लेके भी जाने, हर वैरायटी का थोड़ा थोड़ा मैंने लेके जाना है इंशाल्लाह, और अपने घर भी जाके मैंने ना इनको इंस्टॉल करना है इंशाल्लाह। तो ये देखिए कितना प्यारा है, इनके ऊपर ना थोड़े थोड़े ये देखें पोर्स हैं छोटे छोटे, और ये रफ रफ हैं देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये भी हमारे पास ना एक्सीडिया की वैरायटी है। अच्छा, तो अभी भाई को ये भी बहुत पसंद आया, कहते ये बताएँ क्या चीज़ है। तो इसके अंदर ना ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखें बहुत सॉफ्ट है। तो ये इसके अंदर जो गम है, जो एलोवेरा की जो है थोड़ी सी गम, वो साफ नज़र भी आ रही है इसके अंदर देखिए। व्यूअर्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, और बहुत ही कीमती है और बहुत ही वो एक्सपेंसिव है। तो उसी के हवाले से मैं ख़ास तौर पे आया था, तो वो दिखाते हैं अभी। ये अंजीर का दरख्त है, ठीक है। अहमद भाई आपको इसके बारे में मज़ीद बताते हैं। यहाँ पर ना पाइप्ड है ना, जो राइप्ड अंजीर हैं जो लगी हुई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और खा के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अहमद भाई बताएं ज़रा इनके बारे में। जी ये देखिए ना अंजीर, अल्लाह ताला ने इसके कुरान पाक में भी जिक्र किया है, बस तीन ही बस जैतून, हाँ जी तीन, मतलब इसका अंजीर का जिक्र किया है। तो बहुत मुकद्दस पौधा है। अच्छा, तो अब ये देखिए ना, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी बीमारियों का हल भी रखा है, पेट की बहुत सारी बीमारी इससे हल होती है। अब ये देखिए माशाल्लाह, ये पकी हुई है अंजीर है, ये देखेंगे अब अभी भाई को हम देंगे माशाल्लाह, टेस्ट करेंगे। तो मैं तो इन चीज़ों का बहुत शौकीन हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर से अहमद भाई बता रहे थे कि इसको निकाल लेते हैं अक्सर लोग, तो लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, किसी तरह हम खाएंगे। कैसा टेस्ट भी भाई? ज़बरदस्त है, मीठी है, ठीक है। ये आप भी खाएं माशाल्लाह। ये आप सब आप एक सुबह टाइम ऑन करो, सुबह टाइम निहार मुँह अगर खाते रहे ना तो उनके पेट की कोई बीमारी नहीं उनको होती। वाह, ये हम खुद ही तजुर्बा काट चुके हैं। अहमद भाई कुछ लोग होते हैं वो इसको सुखा के, पठान वगैरह जो है हमारे, वो पठान सुखा के वो इस रस्सी में डाल के ले आते हैं और बहुत महंगी बेचते हैं, तो उसका फ़ायदा है या इस ताज़ी का फ़ायदा है, बताएं ज़रा। जारी बात है, ताज़े का अपना मज़ा है, लेकिन असल में होता ये है कि रेफ्रिजरेशन और सारे मसाइल की वजह से ना, वो एक पुराना पिछले दौर से चलता आ रहा है कि सुखा के ये होता है कि आप महीनों तक चला सकते हैं, तो लेकिन जो सही चीज़ है वो ताज़ा ही है। बेशक, आपको अब सारा दरख्त दिखाते हैं। तो इसके ऊपर देखें, बहुत सारी पकी भी हैं और अभी थोड़ी सी कच्ची हैं, देखें ये थोड़ी सी कच्ची हैं, छोटी छोटी भी लगी हैं ननी मुनी सी। अंजीर में भी काफ़ी सारी वैरायटीज आती है। अच्छा, तो अभी ये वाली जो वैरायटी है मैं लेबनान से आई थी, तो ये हमने ग्रो किया, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है। एक वो वहाँ पे भी हमारा इसकी इसी का ही उड़ के किसी ने परिंदे ने खाया होगा, परिंदे भी माशाल्लाह हमारे यहाँ पे खाते रहते हैं, अल्लाह ताला ने उनका भी रिजक लगाया हुआ है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए, जो मक्खियाँ हैं और परिंदे ही ज़्यादा, परिंदे सबसे ज़्यादा यहाँ पे परिंदे खाते हैं, और जो सबसे पकी होती है ना उसको खाती है, तो हमें पता लग जाता है कि जी अब पकना शुरू हो गई है जी, परिंदों की जो चहचहाट है बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाता है कि दरख्त माशाल्लाह फल दे रहा है। और ये भी अंजीर के अंदर एक और खासियत है, ये भी पीपल की तरह जैसे दीवारों में उग जाती है ना, ये भी दीवार बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। तो जो लोग ग्रोथ मतलब उनको चाहिए इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए, अच्छी ग्रोथ चाहिए फौरी तौर पे, तो वो अंजीर जरूर स्टार्ट करें इससे। ऐसे ही, तो ये सेहत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ये सर्दियों में तो मज़ा ही आ जाता है इंशाल्लाह, मैं जब आना है सर्दियों में उगे होता है ये डिपेंड करता है कि आप पौधे के ऊपर है। अच्छा, कि वैसे तो अभी तक ये दो बार दे चुका है फल, तो साल में दो बार ही होता है मैक्सिमम। इनके दिन कौन से हैं, महीने कौन से हैं जिस दिन फल दे? जो एक तो एक बार तो ये गर्मियों के अभी सब स्टार्टिंग होती तब देता है, और दूसरे बार ये देता है ये सोन भादों में, मूनसून के सीज़न में, वो वाला सबसे अच्छा होता है। तो ये था व्यूअर्स अंजीर का पौधा, देखिए कितना माशाल्लाह बहारें लगी पड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। आए आपको जो दूसरी चीज़ों के बारे में बताते हैं, फूल निकल रहे इसमें ये वाले, ये क्या जी? इसमें ऐसे होता है कि इस पर ना ऊपर थोड़ा सा इसका ऊपर फ्लावर निकलता है। अच्छा, पहले पोलन ट्यूब एक निकलती है, ऊपर फ्लावर्स निकलते हैं, फिर ये वैसे ही जैसे मैंने आपको अम्ब्रेलस का बताया जी, तो ऐसे ही हम क्रॉस पोलिनेट करके ना इसका बीज तैयार करके फिर आगे अपनी एक नई वैरायटी भी बना सकते हैं, आप अपना नाम उसको दे सकते हैं। अच्छा,
यानी कि हम खुद भी साइंटिस्ट बन बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये देखिए आपको फूल भी दिखाता हूँ, यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं एक ऊपर, ये देखिए ये वाले कितने प्यारे लग रहे हैं। ये एलो है, ये एलोवेरा, एलो के फूल निकले। वाह, तो ये बताएं हमें भाई कैक्टस, ये सारे प्लांट्स पड़े हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं हमें। ये वाला देखें, और ये मैम ले रही है। अच्छा, ये भी मैम ले रही है। ठीक है, तो ये कैक्टस की फैमिली के अंदर ही आते हैं। अच्छा, तो ये पीछे हमारे पास ये कैक्टस पड़ी हुई है। सही, ये बढ़ती है हमारे पास। तो ये आपने व्यूअर्स सहराओं में देखे होंगे कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो देखें ये बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। ये आप साफ दिखाएं, ये कैक्टस की वैरायटी है। ये छोटा सा है अभी, इसी के साथ का आपको बड़ा दिखाते हैं। आए जरा उधर, माशाल्लाह से। एक मिनट यार, यहाँ आप इसको हाथ लगाने की कोशिश करेंगे ना इसी को भी, तो आपके हाथ पे कांटा लग जाना है जैसे मेरे लगा था। तो ये दो प्लांट पड़े हैं, कितने बड़े हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो ये भी डेकोरेशन के इस्तेमाल होते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही, और ये भी माशाल्लाह इनकी प्राइस ही एज ही बहुत लेते हैं, बहुत देर बाद आके। अब ये जो देख रहे हैं ना अभी अभी, भाई आपकी उम्र से ही बड़ा है माशाल्लाह। तो ये आपकी उम्र से ही बड़ा है, तो जी ये जो जो भी चीज इसके पास आएगी समझ लिया वो अंदर को ही ले जाएगा इसको ना, हाथ वगैरह सब कुछ डैमेज कर देगा। सही है, ये टच मी नोट का प्लांट है। अच्छा, इसको अगर आप टच करोगे ना। हाँ, ये मैंने ना यूट्यूब पे सर्च किया था, इसी की ये पत्ती शायद बंद हो जाए। ये इसको आप हाथ लगाएगी, देखिए ना इसको हल्का सा किसी भी तरह पे टच होगा ना तो उसके लीव्स फौरन बंद हो जाते हैं। ये देखिए इसके पत्ते बंद हो गए हैं, देखिए फौरन बंद हो गए। डिक्रीज या इंक्रीज करके ना पत्तों को खोलता है या बंद करता है। ये बताइए अहमद भाई ये क्या है यार? ये सेंसवेरिया की वैरायटी है। अच्छा, इस सेंसवेरिया की वो हम पीछे स्नेक प्लांट भी दिखाएंगे। हाँ जी, तो ये उसी की एक वैरायटी है। चलिए ठीक, सेंसवेरिया। अच्छा, अभी हम उधर जाते हैं वापस, वहाँ पे और भी प्लांट्स पड़े हैं। ठीक है, वहाँ पे दिखाना चाह रहे थे हमें। तो ये अहमद भाई बताइएगा ये वाले प्लांट्स का। जी ये दोनों देखिए, ये भी मैमलेरिया की वैरायटीज है। अच्छा, तो अब ये देखिए ना, ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए जो घरों में प्लांट्स रखते हैं। ये हम तो चले कलेक्टर है ना प्लांट्स के, तो हम तो ये रखते हैं चीजें। तो अब लेकिन है ना यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होगी। अब देखिए जैसे ये है, इसका एक लीव ही इतना खतरनाक है कि आप ये खा, बच्चा गलती से भी इसको खा लेता है ना, सांस बंद हो जाएगा गले का। अच्छा, तो इस तरह की चीजों से आपने पहले जब भी कोई भी प्लांट लेना है, पहले उसके बारे में आपने रिसर्च जरूर करनी है कि ये कैसी चीज है, क्या है, और मैं इसको रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। ये सुन ले बातें, पौधे खतरनाक भी बड़े होते हैं। ठीक है, बेशक वो दोस्ती करा इंसान पौधों के साथ, लेकिन खतरनाक भी है उसके अंदर। तो अहमद भाई इसके बारे में बताइएगा। ये काफी अच्छा है, कैरासुला की वैरायटी है। अच्छा, तो वो सिंपल वाले पीछे पड़े हुए थे हमारे पास, तो ये हम लेके आए थे। ये ऑलमोस्ट ये 4.5 मंथ अगो हम पहले इसको लेके आए हैं, तो अभी माशाल्लाह अच्छा ग्रो किया। ठीक हो, तो ये अहमद भाई ये बताए यार, ये हमने ना ये बहुत प्यारे है हमारे ना, बहुत लाडले ये पौधे। अच्छा, तो ये अडीनियम के है हमारे पौधे, तो कुछ वो पड़े हुए हैं इनके मदर्स। इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी ये सर्दियों के अंदर है ना, ये हमारा क्योंकि क्लाइमेट इनको सूट नहीं करता। ये जिन एरियाज के पौधे है ना, उन एरियाज में हमारी तरह मौसम नहीं होता। तो इनके साथ होता ये है कि इनको बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए होती। अच्छा, वो गर्मी में चलो फिर भी बच जाते, सर्दी में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक, तो उन दिनों में फिर हम इनको ना ग्रीन हाउस बना के उसमें रखते हैं। पिछली बार हमारा नुकसान भी ये सर्दियों में बहुत हो गया, तो लेकिन फिर भी चलो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ हमारे लिए बचा लिया। इसकी कोई प्राइस हो बताएं व्यूअर्स को, इसी कदर पता चले ना। यार इसमें दोरा दो चीजें आती है, एक होती सिंगल, सिंगल मतलब सिंगल फ्लावर पेटल का ना एक वर्ल होगा। अच्छा, एक ही घेरा होगा पत्ती फ्लावर्स का ऐसे। हाँ, वो डिफरेंट कलर्स के अंदर मिल जाती। अभी ये जो है ना, ये सारे सिंगल्स है, तो हमने इनको खुद तैयार किया इनके सीड से ना। ये हमारे पास 144 है, कुछ ये है कुछ इधर ही पीछे भी पड़े हुए है, तो कुछ हमने आगे अपनी एक लहदा जगह पे ना वहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं। तो इनका ये होता है कि फिर हम इसके ऊपर है ना ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसे आपको पलमीरिया की दिखाई है वैसे ही इसकी भी ग्राफ्टिंग होती है। सही, कुछ हमारे पास डबल पड़े हुए हैं, जैसे वो हमने वो ग्राफ्टिंग की हुई है। हाँ जी, यहाँ ये दिखाते हैं आपको, ये ग्राफ्टिंग नजर भी आ रही है। ये देखें, ये आपको कार्ड्स नजर आ रहे हो गए। जी जी, कितना अच्छा माशाल्लाह ग्रो किया है ऐसे। यहाँ भी है, अब ये नीचे भी है, ये भी है, तीन इसके ऊपर ग्रो किया ऐसे ही। हमने ना तकरीबन पिछली बार हमने 17 प्लांट्स के ऊपर की थी, तो इस बार हमने उनके सारे यूज करनी थी, तो लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था ऐसे ही। तो वो सर्दियों के अंदर वो सारे ही खत्म हो गए। वो पीछे आपको गमले खाली नजर आ रहे, वो सारे उन्हीं के गमले। सही है, ये ड्रैगन फ्रूट है। अच्छा, तो आजकल आप बहुत सुनते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी, हर जगह पे भी। तो पहले ये देखिए ना, इसका एक सिंपल सा छोटा स्टेप लगता है, हम इसको ग्राउंड कर देते हैं तो ऊपर ये ग्रो करना शुरू कर देता है जैसे अभी कर रहा है। ये भी ड्रैगन ही है ये वाला? जी ये ड्रैग, ये दोनों ड्रैगन फ्रूट है। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ड्रैगन फ्रूट कह रहे हैं भाई। तो ये कैक्टस की फैमिली में से है, तो ये इस तरह ना गोल सा करके पहले फ्लावर निकलता है,
फिर ये फ्रूट बनता है, जैसे एक गावा होता है हमारा अमरूद है, सही है, तो उस टाइप में होता है, लेकिन ये अंदर से ना बिल्कुल ही कस्टर्ड टाइप होता है, बहुत जबरदस्त होता है फ्रूट इसका। खाने के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वाह माशाल्लाह। ज्यादातर पाकिस्तान में जो बन रहा है वो बाहर इम्पोर्ट होता है, हमें इन लोगों का चीजों का पता ही नहीं है। ये हमारे ऑफिस फ्लावर भी कहते हैं इनको, और वैसे इनका नाम है डे लिली, रेन लिली भी है हमारे पास पीछे, तो ये वाली सारी डे लिली है, इनके हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं, सही है, 15 से ज्यादा हमारे पास इसके कलर्स हैं। तो रेन लिली के बारे में बताते हैं, ये वाला जो हमारा सेक्शन है ना, ये रेन लिली के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा। इसमें हमारे पास ये देखिए जितने ही गमले है उतने ही कलर्स हैं, सही है, 25 से ज्यादा हमारे गमले है यहाँ पे माशाल्लाह। तो ये सारे ही हमारे पास कलर्स है, ये डिफरेंट हमने ना जैसे जैसे भी हमारे मिलते रहे इकट्ठे करते रहे, हम ऊपर हमने टैग्स भी लगाए कि कौन सा कलर है ये, हर यानी कि हर पॉट के अंदर बिल्कुल कलर का, हर पॉट में डिफरेंट कलर का, सही है। तो हम इसके ऊपर भी काम करते हैं, पोलिनेट करके इसका भी सीड तैयार करके, ये देखे ये अब इसके इनके बच्चे है वो निकले हुए, हमने इनको अब अलग अलग करके देखना है कि कौन से कलर का निकला। अच्छा, उसे पहचानते हैं किसके फूल से पहचानते हैं? फूल से पता लगता है, पत्तों से नहीं पता लगता, कुछ को हम पत्तों से पहचान सकते हैं, जैसे ये है ये वाइट का है, लेकिन अब हर किसी को पत्तों से पहचानना नामुमकिन है, जो एक्सपर्ट होगा वही पहचान बिल्कुल सकता है। इसीलिए हमने उस पर टैग लगाया था कि क्योंकि ये एक दो बार ही बस साल में निकलते हैं इनको फ्लावर्स, तो आगे पीछे हमें फिर कैसे पता लगेगा कौन सा कहाँ पे, तो हमने इसीलिए टैग ऊपर लगा दिए कि हाँ जी ये वाला पौधा है। तो भी वैसे एक आने जा रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे कि एक छोटा सा आम का पौधा लगा था, तो अहमद भाई ने बताया हमने आम के पौधे के ऊपर बहुत मेहनत की है, तो वो मेहनत क्या की है अभी आप इनकी मेहनत देख सकते हैं। ये टाइम देना पड़ता है हॉबी को, बहुत टाइम देना पड़ता है, तो अहमद भाई की आप मेहनत देख सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह मैं यहाँ पे चक्कर लगाता रहा करूँ। अहमद भाई बता रहे थे, तो ये देखिए इसमें क्या खासियत है बताइएगा, मैं नहीं बताना चाह रहा, आप बताएंगे, ठीक है, ये खुद बताएंगे कितनी मेहनत की इन्होंने यहाँ पे, तो ये अहमद भाई बताते हैं आपको। असल में ना पहले ये हमने ग्रो किया, देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ से कट किया हुआ है ना, तो ये पूरा वेल ग्रोन प्लांट था जो काफी बड़ा था, तो हमने इसको काट के इसकी जो बाद में शाखें थी साइड पे उनको ग्रो किया थोड़ा सा, जो अभी बड़ी हो गई है, फिर आप ये देख सकते हैं, ये देखें उसी के ऊपर हमने एक लैदा वैरायटी लगाई। अच्छा, उसको ग्रो किया, ये देखिए आपको काट नजर आ रहा है, ये दिखाएं आप साहब, मैंने ये हमने ग्राफ्ट किया है, ग्राफ्ट किया है, ये छोटी दशहरी का हमने किया ऊपर। अच्छा, तो ऐसे ही इसकी दूसरी शाख के ऊपर भी हमने किया है, हर शाख के ऊपर मतलब हमने कोशिश की है कि ना एक नई वैरायटी मिले हमें। ये देखें, ये भी आपको काट नजर आ रहा होगा, ये भी हमने एक ग्रो किया है, ये माशाल्लाह ये वाला जो आम है ना, ये इसका हम काफी क्यूरियस है इसके बारे में, जब ये उगेगा तो हम जरूर अभी भाई को इसके फ्रूट चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। ये कौन सा आम है भाई? ये बहुत बड़ा एक देसी के अंदर ही आता है। अच्छा। तो अभी तक इसका कोई नाम नहीं है, हम ही इसको नाम देंगे। अच्छा, कोई नाम नहीं, ये अहमद भाई ने इसलिए किया है ग्राफ्टिंग, इनके कट करके कहीं पे दूसरी किस्म का लगा दिया, यानी कि एक दरख्त पे आप 12 किस्म के जो जितने भी आम है ना, वो चौंसा भी लग रहा है। आप आम की तो 100 से ज्यादा वैरायटीज, आप 100 भले आप एक प्लांट के ऊपर ही 100 से ज्यादा ग्रो भी कर सकते हैं, तो यानी कि एक प्लांट से आप चौंसा भी उतार के खा सकते हैं बिल्कुल, और लंगड़ा भी खा सकते हैं, ठीक है, माशाल्लाह कितनी मेहनत हो रही है यहाँ पे देखे। तो व्यूअर्स वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, मालूमात वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, तो अहमद भाई को अप्रिशिएट करें, ठीक है, अहमद भाई ने कितनी मेहनत की है, इनकी मेहनत के ऊपर भी आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर किसी बंदे को कोई प्लांट चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए ना प्लांट के मुतालिक, यहाँ हमारी जो कंपनी है शेख सनन कंपनी की तरफ से, उसको कोई प्लाट हाउस और शॉप्स वगैरह चाहिए तो हमसे वो रब्ता कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। तो अभी जो है मुझे फ़ोन भी आने लग पड़े हैं, तो इसी से चाहते हैं हम इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वासल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।